तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि प्रधानमंत्री जी को भी दो आंख है और गधा को भी दो आंख होता है, कि हम वो लोग हैं जो इस देश को आजादी दिलाए हैं और आजाद देश में आजादी को बचाएंगे भी, इस बात को हमको याद रखना है। एक बात कहिए कि मैं बहुत महंगा शर्ट पहन करके, मोटा मोटा सोना का सिकड़ी पहन करके, 5 करोड़ का गाड़ी लेकर के आपके पास आऊं और मंच पे खड़ा होकर के गरीबी पे भाषण दूं, आप हम पे भरोसा कीजिएगा? गांधी जी ऐसे नहीं थे कि बुनियाद भारत के कार्यक्रम में आए हैं, कर्नाटक में सरकार भी है तो थोड़ा फोटो वोटो खिंचा करके चल देंगे। आज देश की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में नहीं है, आज देश की बागडोर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हाथ में नहीं है, जो विदेश पढ़कर के आए थे और इस देश की ड्राफ्टिंग कमिटी में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम किया, बनाने का काम किया। आज देश की बागडोर एक ऐसे हाथ में है जो कहता है कि PFI के नाम में भी इंडिया है। मतलब कुत्ता को भी 4 पैर होता है, गधा को भी 4 पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं, जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को भी दो आंख है और गधा को भी दो आंख होता है। बोलिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं भाजपा, मोदी और RSS की चर्चा करूं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कितनी गंभीर परिस्थिति में आज हम खड़े हैं। इतनी गंभीर परिस्थिति में खड़े हैं कि संस्थाओं को तो छोड़ दीजिए, व्यक्तियों को भी बोलने का अधिकार नहीं है। इसीलिए जब आज आप यूथ कांग्रेस का झंडा अपने हाथ में उठाए हुए हैं, जब आप कहते हैं यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस देश की 55% आबादी नौजवान हो, जिस देश में दुनिया का हर 5वां युवक भारतीय हो, जिस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, और जिस देश में जिस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा था, उससे ठीक कुछ दिन पहले कारगिल में लड़ने वाले शहीदों के परिवार के साथ कैसी नग्नता की गई है, ये वीडियो आप लोगों ने देखा है। इसीलिए आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए। आप इस गंभीर समय में जो आपकी भूमिका है उसको आपको समझने पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सत्य का शासन हो और सत्ता पे बैठे हुए लोगों का जो अहंकार है, उस अहंकार को चकनाचूर किया जाए, जिस लोकतंत्र की बुनियाद पर, जिस जमहूरियत के दम पर आज उनको कुर्सी पे बिठाई गई है, अगर आप उनको नीचे उतारना चाहते हैं, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इस देश के नौजवानों और विद्यार्थियों को सबसे बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। गांधी जी ऐसे नहीं थे कि बुनियाद भारत के कार्यक्रम में आए हैं, कर्नाटक में सरकार भी है तो थोड़ा फोटो वोटो खिंचा करके चल देंगे। ये मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपनी आलोचना कर रहा हूं। गांधीवादी तरीका यह है कि चंपारण में जब किसान लड़ रहे थे तो गांधी जी शहर छोड़ करके चंपारण चले गए, वहीं आश्रम बना दिया, महीनों तक लड़ते रहे और अंग्रेजों को धूल चटा दिया। ये गांधीवादी तरीका है। आज लोगों को इस देश के इतिहास को दोबारा जाकर के देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम उस पार्टी से हैं जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है। अभी कलाकार ने आजादी की बात की, हाथों की आजादी की बात की, देश की आजादी की बात की, तो एक एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता को गर्व से यह बात कहनी चाहिए कि हम वो लोग हैं जो इस देश को आजादी दिलाए हैं और आजाद देश में आजादी को बचाएंगे भी, इस बात को हमको याद रखना है। और अगर हमने इसका संकल्प लिया है तो मैं एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूं, खास करके जो हमारी महिलाएं यहां पे बैठी हुई हैं। जब कांग्रेस पार्टी हार गई थी श्रीमती गांधी के नेतृत्व में, तो उस वक्त लोगों ने कहा था कि कांग्रेस समाप्त हो गया है। उसके बाद श्रीमती गांधी बिहार गई थी, जहां से मैं आता हूं, वहां पे एक नरसंहार हुआ था और श्रीमती गांधी हाथी पे बैठ करके गई थी शोषितों से मिलने के लिए, उन नरसंहार के जो पीड़ित थे उन परिवारों से मिलने के लिए। और उनके साथ हाथी पे बैठी हुई एक महिला थी,
जिस महिला का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, जो इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। इसीलिए हम कहते हैं, गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज आप यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, आपको कर्म करने की जरूरत है। और हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म है अपने विचार पर चलना। और हमारा विचार क्या है? हमारा विचार है इस देश का संविधान, संविधान की प्रस्तावना। और प्रस्तावना कहता है, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना करके रखना चाहते हैं। इसीलिए जब ये विचारधारा हमारे पास है, इस देश को आजादी दिलाने का इतिहास हमारे पास है, और आज के वक्त में हमको गर्व से यह बात कहना चाहिए कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे के सिपाही हैं। हमको गर्व से यह बात कहना चाहिए कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है, डरो मत। और उनको डरने की जरूरत नहीं है जो किसी के खिलाफ गलत नहीं किए हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है जो झूठ बोलते हैं। जो झूठ बोलते हैं वो डरें, जो सत्य पर चलते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। बात कहिए कि मैं बहुत महंगा शर्ट पहन करके, मोटा मोटा सोना का सिकड़ी पहन करके, 5 करोड़ का गाड़ी लेकर के आपके पास आऊं और मंच पे खड़ा होकर के गरीबी पे भाषण दूं, आप हम पे भरोसा कीजिएगा? एक्शन ही कम्युनिकेशन होता है। हमको अपने एक्शन को अपना कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। और हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल साफ है, हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल साफ है कि यह देश सबका था, सबका है और सबका रहेगा। यह हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है कि इस देश में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, इस देश में पैदा होने वाला कोई भी इंसान, चाहे उसका लिंग कुछ भी हो, इस देश में पैदा होने वाला कोई भी मनुष्य, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, वो इस देश का नागरिक है। और नागरिक होने का मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। लोकतंत्र में वोट से तय होगा कि हमारा शासक कौन बनेगा। और यह जो लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र ही भारत की बुनियाद है, यह लोकतंत्र ही भारत की बुनियाद है। और इसी लोकतंत्र को बचाने का काम यूथ कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। हम जो झंडा अपने कंधे पे लिए हैं, यह झंडा सिर्फ एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं है, यह झंडा इस देश की आजादी को बचाने के लिए। इस बात को याद रखिएगा, इस देश में दो तरह के लोगों के बीच लड़ाइयां हो रही है। इस मुल्क में दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, एक वो लोग हैं जो इंसान को आपस में बांटते हैं, एक वो लोग हैं जो ऊंच नीच करते हैं, एक वो लोग हैं जो इंसान को लड़ा करके इस देश की शक्ति को कमजोर करते हैं, एक हम वो लोग हैं जो नफरत के खिलाफ हमको मोहब्बत की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और आखिरी बात बोल करके खत्म करूंगा, जब साहब गा रहे थे तो इनकलाब की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे कुछ कार्यकर्ता उसको मोहब्बत की तरह ले रहे थे। तो आखिरी बात बोल करके खत्म करूंगा कि जो नौजवान इश्क नहीं करता वो इनकलाब भी नहीं कर सकता है, जो इंसान मोहब्बत नहीं कर सकता वो परिवर्तन भी नहीं कर सकता है। हम इश्क करेंगे, नफरत को हराएंगे, संविधान की आवाज को बुलंद करके इनकलाब लेकर के आएंगे। और हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे महात्मा गांधी ने चला और एकता का संदेश दिया। हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चला और साहस का परिचय दिया। हम उस रास्ते पर चलेंगे जिस पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चले और समानता का बात किया। हम भगत सिंह के वासी हैं, हम भगत सिंह के वासिंदे हैं, हम भगत सिंह के वारिस हैं। हमको भगत सिंह के सपनों का देश बनाना है, गांधी के रास्ते पर चलना है और अंबेडकर के विचारों को आगे लेकर के जाना है। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।